हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट ट्रैक एग्जाम। तो दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पे मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ RRB JEE CN 3/2018 रिजल्ट फॉर DV एंड मेडिकल RRB मालदा जोन का एनालिटिक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए मालदा जोन का मेरिट इंडेक्स मार्क कितना होना चाहिए। दोस्तों, ये सबसे सटीक कट ऑफ मार्क होगा मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ दोस्तों डिस्कस करेंगे इसमें कि स्टैंड बाई कैंडिडेट्स का जो 50% बुलाए गए हैं उनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों, उससे पहले मैंने, अगर आप DV और मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मैंने DV और मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स और जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जो आप हमारे RRB JEE के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप DV और मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जरूर जाएं। इसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां बताई गई हैं जो कि कैंडिडेट्स करते हैं, उससे आप बच सकते हैं और आपको DV और मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी आएगी तो मैं उस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एनालिटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें आपके सिविल के लिए जो मेन लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क। दोस्तों, ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क है, RRB की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नहीं है। तो इसमें आपके 5 से 10 नंबर मेरे हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैक्सिमम चांस है इसी के आसपास आपका कट ऑफ वेरी करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इसके आसपास हैं तो अपने आप को कंपेयर इससे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सिविल का। सिविल के लिए टोटल सीट थे UR की आपकी 56, जिसमें कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं 84, मिनिमम कट ऑफ मार्क है 528.198। तो दोस्तों, अगर आप UR से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 570 के आसपास बन रहा है तो दोस्तों आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंबर ज़्यादा लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये मालदा जोन में सीटें बहुत ही कम हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे सीटें कम होती है वहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी अनुमान से ऊपर भी चला जाता है और अनुमान से नीचे भी चला जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर 570 या उसके आसपास है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अब बात करते हैं OBC की। तो 19 सीट पे लगभग 29 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 518.3594 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों, अगर आप OBC से हैं और आपका नंबर 550 के आसपास बन रहा है तो आपके मेन लिस्ट में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं SC की। तो 17 सीट पे लगभग 26 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, जिसमें मिनिमम कट ऑफ है 406.8495। तो दोस्तों, अगर आप SC से हैं और आपका नंबर बन रहा है 430 या इसके आसपास तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं ST की। तो 6 सीट पे लगभग 9 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 294.8601 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों, अगर आप ST से हैं और आपका नंबर 315 या इससे ऊपर बन रहा है, इसके आसपास भी है, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये सिविल के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क है। हो सकता है इसमें 5 से 7 नंबर मेरिट इंडेक्स में आपको वेरी भी कर जाए, तो आप इसको इतना ले के चलिएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क नहीं बता सकता। तो दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कॉमन पोस्ट हैं उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क। दोस्तों, इसमें मैंने SNT के पोस्ट को अलग कर रखा है क्योंकि उसमें मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं होते और CS और IT वाले इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस जो पोस्ट में है इसमें SNT कैलकुलेट नहीं है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा SNT के लिए। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए UR की सीट, तो दोस्तों 74 सीट है, लगभग 111 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, मिनिमम कट ऑफ था 621.59879। तो दोस्तों, अगर आप UR से बिलोंग करते हैं इन तीनों पोस्ट सीट ये कॉमन पोस्ट के लिए और आपका नंबर 648 के आसपास बन रहा है तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं OBC की। तो 23 सीट पे लगभग 35 कैंडिडेट्स हैं, 619.2139 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ मार्क गया है। तो दोस्तों, अगर आप OBC से और आपके नंबर 640 के आसपास बन रहे हैं तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है।
अब बात करते हैं एससी की। तो 26 सीट पे लगभग 39 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। मिनिमम कट ऑफ था 526.02533। तो दोस्तों अगर आप एससी कैंडिडेट्स हैं और आपके नंबर बन रहे हैं 545 के आसपास, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। एसटी में दोस्तों 10 सीट थी, लगभग 15 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। 437.47324 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों अगर आप एसटी से हैं और आपका नंबर 465 बन रहा है, तो दोस्तों आपके मेन लिस्ट में होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कॉल्ड हैं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं टोटल कंबाइन सीट करके आपको 50% एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जबकि कहीं कहीं 3 सीट है, कहीं 5 सीट है, मतलब ऑड नंबर में है, तो वहाँ पे एक एक कैंडिडेट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है जो मैंने 111 बोला तो 115 हो। दोस्तों उससे भी आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कट ऑफ मार्क यही रहने वाली है, आप मान के चल सकते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एसएनटी पोस्ट के लिए। दोस्तों अगर हम एसएनटी पोस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं एसएनटी पोस्ट के लिए। दोस्तों टोटल सीट है आपकी यूआर के लिए 7, जिसमें लगभग 11 कैंडिडेट्स बुलाए गए। 618.83884 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया था। तो दोस्तों अगर आप एसएनटी के लिए हैं और आपका नंबर 645 के आसपास आ रहा है, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं ओबीसी की। 3 सीट पर लगभग 5 कैंडिडेट्स बुलाए गए। 616.69411 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया था। तो दोस्तों एसएनटी के लिए अगर आपके नंबर 635 के आसपास बन रहे हैं, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं एससी की। तो 3 सीट पर लगभग 5 कैंडिडेट्स हैं। 621.37688 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों अगर आप एससी से हैं और आपका नंबर 540 के आसपास बन रहा है, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। बात करते हैं एसटी की। 4 सीट पर लगभग 6 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। 435.99175 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों अगर आपके नंबर 455 या उसके आसपास बन रहे हैं, तो आपके मेन लिस्ट में होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये रहा है मालदा जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिटिक वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों इसको मालदा जोन के हर एक कैंडिडेट्स तक पहुँचाना आपका काम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों अगर आप डीवी और मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो जो हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको जरूर देख के जाएं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और आप कई गलतियां करने से बच सकते हैं। दोस्तों इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही अपडेटेड और एनालिटिक वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।